वरिष्ठ नेता निजामुद्दीन ने ऐसी आशंका जाहिर की है कि सरकार कोविड के बहाने सोशल डिस्टेंसिंग को बहाना बनाकर वर्चुअल सत्र आहूत कर सकती है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है और उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार गैरसैंण जो घोषित राजधानी है उसमें ही सत्र आहूत करे और वहाँ पर जाने आने से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा आबादी रहती है ना लोगों के संपर्क में आना होगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो वहीं पर विधानसभा का सत्र आहूत करे और किसानों के मुद्दों पर, मजदूरों के मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए, जवाबदेही करनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य का विधानसभा का सत्र आहूत होना है, मुझको ऐसा समाचार पत्रों से शंका महसूस हो रही है कि सरकार वर्चुअल विधानसभा बुलाने पर विचार कर रही है, जिसका मैं पूरी तरह विरोध करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि विधानसभा का जब सत्र हो तो सभी विधायक फिजिकली वहाँ मौजूद होने चाहिए। अब एक दलील सरकार ये दे सकती है कि देहरादून के विधान भवन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। मेरा सरकार से कहना यह है कि जब भरारीसैन ग्रीष्म राजधानी घोषित हो चुकी तो ये विधानसभा का सत्र वहाँ क्यों आहूत नहीं किया जा रहा। वो ऐसी जगह पर है जहाँ आबादी नहीं है और लोकल लोगों से जाने वालों को खतरा नहीं और जाने वालों से लोकल लोगों को खतरा नहीं होगा कोविड के संक्रमण का। वो भवन वहाँ विधान भवन इतना भव्य है कि सभी लोग, चाहे विधायक हों, सरकार में शामिल मंत्री हों, पत्रकारगण हों, चाहे अधिकारीगण हों, कर्मचारीगण हों या सुरक्षाकर्मी हों, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत खुली जगह मिलेगी और किसी भी प्रकार से किसी भी कोविड 19 के मानक का उल्लंघन नहीं होगा। अब सत्र आहूत होना इस वजह से बहुत ज़रूरी है। अब आज की तारीख में कोविड में उत्तराखंड सरकार का मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है और राज्य में एक ये विकराल रूप कोविड ले चुका, जिस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। कुंभ सिर पर है, कुंभ की वजह, कुंभ में कोई तैयारी उत्तराखंड सरकार की नहीं दिख रही है, इस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। किसान दुखी है, भुगतान नहीं हुआ, गेहूं का भी भुगतान, गेहूं की फसल का भुगतान नहीं हुआ, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, इस पर चर्चा ज़रूरी है। और बेरोजगारी चरम पर है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इस पर चर्चा ज़रूरी है। और इस समय उत्तराखंड सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, भारत सरकार ने GST के पैसे देने से मना कर दिया, इस पर भी चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। तो यथाशीघ्र भरारीसैन गैरसैन में